ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। राम राम मालिक, राम 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 राम। क्यों नारायण, फसल कैसी हुई? मालिक, जब आपका दिल सोने का है फिर आपके खेत भी सोना क्यों ना उगले। अच्छा देखो नारायण, फसल कटने पर 100 बोरी अनाज रामनगर भिजवा देना, हम वहाँ अनाथाश्रम खोल रहे हैं। हुजूर, हुजूर। क्या बात है माधव? आपका तारा आया है सरकार। अच्छा। अरे माधव जी, आज रात को तेरे छोटे सरकार आ रहे हैं, ठीक 9 बजे गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जाना। हुजूर, मैं 8 ही बजे पहुंच जाऊंगा। क्यों? बारिश का मौसम है, गाड़ी फिसल के जल्दी आ जाती है। तू तो मिट्टी का माधव ही रहा। चल बैठ। भगवान ऐसे मालिक को मेरी भी उम्र दे, मुझे जेल से छुड़ाया, जब मैं शर्म के मारे आत्महत्या करने वाला था मुझे बचाया, पेट पालने के लिए जमीन दी, मेरी बेटी को लिखने पढ़ने के लिए शहर भेजा। आजकल की दुनिया में इतना कौन किसी के लिए करता है। सचमुच मेरे लिए तो वो भगवान है। बसंतपुर एक थर्ड क्लास। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी जाइए। माफ कीजिएगा, गाड़ी चल पड़ी थी, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगी। लेकिन आपसे उतरने के लिए किसने कहा? घबराहट में इस डब्बे में आ गई, मेरा टिकट तो थर्ड क्लास का है। ये तो बहुत फायदेमंद भूल है, नुकसान तो तब था कि आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता और आप थर्ड क्लास में चढ़ जाती। खड़ी क्यों है आप, बैठ जाइए। बैठिए ना।
ऑरेंज। अंगूर। मेरा गला खराब है। लेकिन ये तो मीठे हैं, खाकर देखिए। मीठे है ना, और लीजिए। जी नहीं, बस शुक्रिया। कहाँ जाना है आपको? बसंतपुर। बहुत खूब, फिर तो पूरे सफर का साथ है। मैं भी बसंतपुर जा रहा हूँ। बसंतपुर किसके यहाँ? राजमहल। राजमहल जमींदार साहब की हवेली। जमींदार साहब का नाम सुनकर आप खड़ी क्यों हो गई? डर से नहीं, इज्जत से। मेरे बाबा उनकी प्रजा हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं वो। जमींदार साहब की मदद से ही मैं आज टीचर्स ट्रेनिंग लेकर घर लौट रही हूँ। फिर आप ही बताइए, उनके किसी रिश्तेदार के सामने मैं बैठ कैसे सकती हूँ? आप बैठ जाइए, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तो वहाँ नौकरी पर जा रहा हूँ। अच्छा जी। लेकिन आप नौकर जैसे लगते तो नहीं। सूरतें अक्सर धोखा दे जाती हैं, और आपको देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि आप किसान की लड़की। सूरतें अक्सर धोखा दे जाती हैं। अच्छा, आप वहाँ क्या नौकरी करते हैं? जी नौकरी, हाँ जी, मैं वहाँ इलेक्ट्रिशियन हूँ। बिजली खराब हो जाए उसे ठीक करना, तार टूट जाए उन्हें जोड़ना, वगैरह वगैरह। लीजिए। कभी कभी दो इंसानों से एक जैसी भूल हो जाती है। मुझे लेने के लिए जमींदार साहब की गाड़ी आई होगी, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। जी नहीं, ये शहर नहीं गांव है, किसी ने देख लिया तो घर का चर्चा होगी। अच्छा, तो फिर मुलाकात कब होगी? रेलगाड़ी की मुलाकात। रेलगाड़ी तक बस। सुनिए, आपने बाबा के लिए थोड़े अंगूर तो लेती जाइए ना, खट्टे हैं। अंगूर तो बड़े मीठे हैं ना, खट्टे हैं। खट्टे हैं? ओ माधो तू। जी छोटे बाबू, चल सामान उतार, अभी उतार दो। जाओ सरकार, अंगूर खाके तो और भी ताकत आ गई। जाओ। गाड़ी कुछ लेट आई क्या? जी नहीं हुजूर, गाड़ी तो वक्त पर आ गई थी, लेकिन इन्हें ब्रेक लगी हुई थी। माधो। अच्छा चलो खाना खा लो, भूख लगी होगी। भोजन कर ले बेटी। भूख तो गाड़ी में ही मिल गई बाबा। क्या गाड़ी में टिकट के साथ साथ खाना भी देते हैं? ये बात नहीं है बाबा। ओह, जान पड़ता है, गाड़ी में बैठकर तू खाना पीना भी भूल गई है। बेटी नींद तो आती है ना, कि वो भी गाड़ी में छोड़ आई है। छोड़ के तो कुछ भी नहीं आई बाबा, बल्कि कुछ लेकर ही आई हूँ। ये देखो ना, इम्तिहान पास करने का सर्टिफिकेट। मुझे क्या दिखा रही है बेटी, मेरे लिए तो काला अक्षर बैल बराबर है। जा, आराम कर। क्यों जी, रूपनगर का रास्ता कौन सा है? यहाँ कोई रूपनगर वगैरह नहीं है। रूप तो सामने नजर आ रहा है, नगर भी होना चाहिए। क्या कहा? अरे तुम, आप नहीं, तुम।
ये घोड़ा कहाँ से लिया? जमींदार साहब से। यहाँ के जमींदार साहब बड़े अच्छे हैं। कल रात मेरी खूब खातर तवाजे की और आज सुबह शिकार के लिए ये बंदूक भी दी और ये घोड़ा भी। क्यों ना हो, हमारे मालिक राजा हैं। राजा राजा भी खूब और प्रजा भी खूब। प्रजा कौन? बहुत मासूम है आप। सुबह सुबह भगवान का नाम लिया करते हैं, मजाक नहीं करते। चाहिए जाकर शिकार खेलिए। शिकार तो मैं खुद हो गया। वो कैसे? कल रात रेलगाड़ी में किसी ने ऐसा छुपा तीर मारा कि दिल चीर कर रख दिया। तो क्या हुआ, बिजली के टूटे हुए तार जोड़ना तो आपको आता ही है, दिल भी जोड़ लीजिए। दिल कोई खिलौना तो नहीं? हाँ, अपना दिल तो सभी को प्यारा होता है, लोग तो दूसरे के दिल को खिलौना समझते हैं। हर कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके पास वो खिलौना है? खिलौना तो नहीं, दिल है। तो धड़कता भी होगा? सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं। तो बड़ा खुदगर्ज दिल है आपका। जैसा भी है अच्छा है। ए अंगूर जी, अंगूर जी। ये अंगूर अंगूर क्या कह रहे हैं? गायत्री है मेरा नाम। गायत्री? सुबह सुबह ये नाम कान में पड़े तो जीवन सफल हो जाए। और हाँ सुनिए, कल कहाँ मुलाकात होगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है यहाँ या सामने वाले बाग में? जी नहीं, यहाँ ना सामने वाले बाग में। देखिए जी, ये तो बड़े जुल्म की बात है। मैं आपके गांव में मेहमान हूँ और मेहमान का दिल रखना चाहिए। फिर वही दिल, न जाने कौन सा मर्ज है ये। जो तन लागे सो तन जाने, हम तो एक ही रात में इसके हाथों परेशान हो बैठे। घबराइए नहीं, राम भली करेंगे। हमारा क्या है, हम अगर दिल के हाथों लुट भी गए तो कौन है रोने वाला। आप अपना ख्याल रखिएगा, दिल के आसपास कहीं दर्द हो तो दवा कर लीजिएगा, ये दर्द दबाने से ला इलाज हो जाता है, समझी आप? अच्छा। आदो। आया जी। जी छोटे सरकार का है? जी वो हवा खाने गए। इतने सवेरे? जी लीजिए वो आगे। कमल जी। पिताजी अकेले क्यों गए थे, किसी नौकर को साथ ले जाते? नौकर? मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो अकेले रास्ता भूल जाता? बच्चे तो नहीं हो, लेकिन जमींदार के शहजादे जरूर हो। रईसों के साथ कोई ना कोई नौकर हमेशा होना चाहिए। पिताजी क्या अमीरी की यही निशानी है कि हर वक्त कोई ना कोई गुलाम साथ रहे? वाह वाह, अब आई असली आजादी। माधो मैं चुप हूँ। अब तो वो जमाना है कि एक राजा की शादी प्रजा की मामूली लड़की से हो जाती है। अगर यही नया जमाना है तो इस नए जमाने को गज भर लंबा सलाम। नौकर मालिक के सामने सर उठाए, छोटा बड़े को आंखें दिखाए, क्या इसी का नाम तरक्की है? ये देखो सिंगापुर से अपने मुख्तार की चिट्ठी आई, मजदूरों ने जान खा रखी। अगर हालात और बिगड़े तो हम में से किसी को सिंगापुर जाना पड़ेगा। पिताजी क्या गए बगैर काम नहीं सुलझ सकता? मुख्तार तो घबराया हुआ है, खून पसीना एक करके मैंने ये रबर स्टेट बनाई है, हाथ से चली गई तो इज्जत में फर्क आ जाएगा। मैं तो आज ही सिंगापुर चला जाता लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टर मुझे हवाई जहाज से सफर करने की इजाजत नहीं देता, सख्त परेशान हूं। इसमें परेशानी की क्या बात है पिताजी, अगर जाना जरूरी हुआ तो मैं ही चला जाऊंगा। इतने बरसों बाद तो तुम पढ़ाई खत्म करके विलायत से लौटे हो, अब फिर तुम्हें कैसे आंखों से ओझल कर दूं बेटा? मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जाऊंगा। खैर देखा जाएगा, तुम जाओ नहा के नाश्ता कर लो। चलिए छोटे सरकार, पानी गर्म है। जो तन लागे सो तन जाने, परदेसी ठीक ही कहता था। तीर निशाने पे बैठा। बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। Thank you.
अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। कोई बता दे दिल है जहां क्यों होता है दर्द वहां। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहां और दर्द कहां। किसी का हो बैठा ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिन है जहां क्यों होता है दर्द वहां। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहां और दर्द कहां। खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। जब हो खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहां क्यों होता है दर्द वहां। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहां और दर्द कहां। कोई बता दे दिल है जहां क्यों होता है दर्द वहां। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहां और दर्द कहां। नमस्ते मालिक। हेलो। ओ कैसे हो नारायण, ये तुम्हारी लड़की है? हाँ मालिक। जीते रहो। मालिक आपकी आज्ञा अनुसार इसे मैंने पढ़ा लिखा दिया। अच्छा किया, कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारी लड़की है, किसी बड़े घर की मालूम होती है। इसका रिश्ता भी किसी अच्छे घर में करना। मालिक जब आपके मुंह से बात निकली है तो जरूर पूरी होगी। अच्छा चल। भाइयों और बहनों, हम सब जमींदार साहब के बड़े आभारी हैं। जमींदार साहब की सारी जिंदगी नेक काम करते हुए गुजरी है। इस अनाथ आश्रम के दान से इनकी शानदार जिंदगी में और इजाफा हो गया है। अब मैं इनके सुपुत्र श्री कमल कुमार से प्रार्थना करूंगा कि वो इस शुभ अवसर पर यहाँ पधार कर कुछ शब्द कहें। आप लोगों ने इस जलसे में आने का कष्ट किया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जलसे की वजह से अनाथ बच्चों को इस अनाथ आश्रम की वजह से अनाथ बच्चों को जरूर लाभ होगा। धन्यवाद। गायत्री, मेरी बात तो सुनो। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? शुगर है कि बात बनने से पहले मुझे सच्चाई का पता चल गया। माफ करना गायत्री, मेरे झूठ बोलने का कुछ मतलब था। अगर मैं उसी दिन तुम्हें बता देता कि मैं जमींदार का बेटा हूँ तो तुम डर के मारे मुझसे बात भी ना करती। बात करने की जरूरत भी क्या थी, कहाँ एक जमींदार का बेटा, कहाँ एक गरीब किसान की लड़की। ये तो झूठी बातें हैं।
प्यार इन दीवारों की कहां परवाह करता है। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन मीठी मीठी बातों से मत बहकाइए। कुछ भी हो मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हो सकती। क्यों, किस बात में तुम मुझसे कम हो? बराबर भी किस बात में हो, हमारे मिलाप से आपके खानदान की बदनामी होगी, मेरा और मेरे गरीब बाप का मजाक उड़ाया जाएगा। अच्छा है कि बात बढ़ने से पहले हम जुदा हो जाएं। गायत्री, तुम उस वक्त तक मेरा यकीन नहीं करोगी जब तक कि मैं तुमसे शादी ना कर लूं। नहीं नहीं, शादी का लफ्ज़ ज़बान पर ना लाइए, इस सुहाने सपने का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तुम्हारा वहम है, डर है। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं आज ही रात पहाड़ी वाले मंदिर में भगवान के सामने तुम्हें अपना बना लूंगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपके पिताजी कभी मंजूर नहीं करेंगे, और मेरे बाबा तो मुझे मार ही डालेंगे। शादी हो जाए, सब अपने आप खामोश हो जाएंगे। आज जोश में आकर आप सब कुछ करने पर तैयार हैं, लेकिन कल जब आपके नाम पर धब्बा लगेगा तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। गायत्री, मेरे प्यार का अपमान ना करो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? तुम ये चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद में तड़पता रहूं, दुनिया के सामने तमाशा बन जाऊं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। गायत्री, मुझ पर विश्वास करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। एक बार हाँ कह दो ना। अच्छा, अब यहां सुने, मुस्कुराओ। रेडी, 1, 2, 3। अब मैं जाऊं? आज रात को भूलना नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, पत्तों में भी जान होती है, हम तुम्हारा राज जानते हैं। डर क्यों गए माधो? तू हंसो, खूब हंसो, बोलो वेल अट्टू अट्री। याद है, चल लीजिए जल्दी। आता हूँ छोटे बाबू। छोटे सरकार, बस जरा सी गड़बड़ से घबरा गए। प्यार के रास्ते में तो बड़ी बड़ी मुश्किलें आती है। जरा सोच लीजिए, बड़े सरकार को आपके शादी का पता चल गया तो फिर क्या होगा? माधो, तेरे सिवा पिताजी को और कौन कह सकता है? अगर तूने जबान खोली तो याद रख, तेरी जबान काट दूंगा। छोटे सरकार, मेरी जबान जल गई, बड़े सरकार से मैं कुछ कहूँ? मैं तो खुद ही प्रीत का पुजारी हूँ, बड़ा प्रेमियों का शत्रु कैसे बन सकता हूँ? क्या बात हुई ना, बहुत अच्छा लगता है तू। भगवान, इस मिलन के आप साक्षी। एक साक्षी और है माधव। ओ छोटे सरकार, थोड़ी सी अक्कल इस खोपड़ी में भी है। वैसे तो मैं भी प्रीत का पुजारी हूँ, क्या समझे हुजूर? डरिए मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा। शादी मुबारक हो। लड्डू का है लड्डू, चल भाग जा। भगवान सुखी रहो, सबको सुखी रखो, भगवान सबको सुखी रखो। ऐसी शादी है ये, ना किसी ने मंगल मनाया, ना बारात आई, ना शहनाई बजी। सुना तुमने, रेल की सीटी ने शहनाई का काम कर दिया और मुसाफिर बराती बन गए। कुदरत भी हमारे इस मिलन पर खुश है। मिलन की रात और आंखों में आंसू। मन तो हंस रहा है लेकिन आंखें रो रही हैं, शायद इसलिए कि अगर मैंने कोई पाप किया है तो वो मेरे ही आंसुओं से धुल जाए। आज की रात ऐसी बातें ना करो,
चलो हंसो, रेडी, वन टू थ्री। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवा, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है जमीन। प्यार कितना जवा, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है जमीन, थम गई है जमीन। आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे, ऐसी उल्फत का जादू जगाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। दो दिलों की है मंजिल यहाँ, तुम न आते तो हमको भी आना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। माधव, कमल को बुलाओ। अब बुलाता हूं। जी पिताजी। कमल, ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ, ये तार पढ़ो। रबर एस्टेट को किसी दुश्मन ने आग लगा दी, बहुत नुकसान हुआ। पिताजी, ये सब हुआ कैसे? न जाने किसकी शरारत है, उफ मैं सख्त परेशान हूं। कमल, तुम्हें कल ही सिंगापुर जाना होगा। लेकिन लेकिन क्या, अगर मेरी सेहत ठीक होती तो मैं खुद ही चला जाता। सिंगापुर की एस्टेट से मेरा जज्बाती रिश्ता है। आज जितनी जायदाद जितनी दौलत का मैं मालिक हूं, सब सिंगापुर की कमाई है। पिताजी, क्या हमारे एजेंट से यह मामला नहीं सुलझ सकता? अगर एजेंट किसी काबिल होता तो आज ये नौबत ही क्यों आती? पिताजी, ऐसा लगता है ये एस्टेट हमारी किस्मत में नहीं है। और आपको कमी किस चीज की है, फिर जाती दौलत के पीछे क्यों भागना? तुम तो इस तरह टाल मटोल कर रहे हो जैसे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, और उस दिन तो तुम खुद जाने को तैयार थे, फिर आज क्यों पीछे हट रहे हो? मैं पीछे नहीं हट रहा पिताजी, अगर आपका हुक्म है तो। मेरा हुक्म क्या, फर्ज है तुम्हारा ये। क्या बात है,
तुम परेशान क्यों हो? पिताजी का हुक्म है कि क्या कि मैं कल सिंगापुर चला जाऊं। वहां हमारी रबर एस्टेट में किसी दुश्मन ने आग लगा दी है। कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ मेरे पिताजी, मेरा फर्ज है, दूसरी तरफ तुम हो, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। किसका साथ दूं, किसे ठुकराऊं? मैं ये मुश्किल हल की देती हूं। तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी फर्ज है। तुम सिंगापुर जाओ और जरूर जाओ। गायत्री, तुम ये कह रही हो? मैं नहीं, जिम्मेदार साहब की बहू कह रही है, तुम्हारी पत्नी कह रही है। तुम सिंगापुर से हो आओ, उस वक्त तक हमारी शादी का ये राज किसी पर नहीं खुलेगा। गायत्री, कितनी महान हो तुम, जितना खूबसूरत चेहरा उतना ही खूबसूरत दिल। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए सिंगापुर से क्या लाऊं? बस तुम खैरियत से लौटाओ, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। मैं अपनी गायत्री के लिए प्यार की बहुत ही खूबसूरत निशानी लाऊंगा, जो हमारी पहली मुलाकात की यादगार होगी। हाँ? कमल बाबू, मेरी दुआ है कि जिस काम पर जा रहे हो उसमें तुम्हें कामयाबी हो और खैरियत से वापस आओ। थैंक्स। किसी को ढूंढ रहे हो बेटा? जी नहीं बेटा जी। अच्छा देखो बेटा, परदेश में अपनी सेहत का ख्याल रखना। जी पिताजी। जी चलो। भगवान करे जमाने की गर्म हवा तुझे कभी न लगे। माधो, ये लिफाफा गायत्री को दे देना। क्या बात है कमल? जी पिताजी कुछ नहीं। चलो गाड़ी में। दर्द वहाँ माधो, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। जी क्या बात है? जी कुछ बात नहीं। छिपा कह रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो जी इधर ना। देखिए देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है, क्यों ना हो राजकुमारों की तस्वीर ऐसी हुआ करती है। मेरे जीवन की ज्योत गायत्री। कमल, कमल के जीवन की ज्योत गायत्री कौन है? जी मैंने छोटी सरकार से फोटो मांगी थी, लिखने के लिए कुछ नहीं कहता सरकार। मेरी आंखों में धूल जो है, धूल जो है मेरी आंखों में। बताइए गायत्री कौन है? मैं नहीं हूँ सरकार, मैं नहीं हूँ। बता वरना बेत मार के चमड़ी उधेड़ देते, चमड़ी उधेड़ देते। बड़ी मुश्किल में जान बची है सरकार, नहीं बताता हूँ तो आप बेत मार के चमड़ी उधेड़ देते हैं और बताता हूँ तो कमल बाबू 250 गोली मार देते हैं। मुझे तो दोनों तरफ से मौत के देवी के दर्शन हो रहे हैं सरकार। माधो सरकार, चुपके चुपके ये आग किसने लगाई है? बताता सरकार, कमल बाबू और नारायण की लड़की गायत्री में कुछ दिनों से खुसुर फुसुर हो रही थी। खुसुर फुसुर? हाँ, अब वो खुसुर फुसुर बंद होगी। बंद हो गई? कैसे? दो दिन हुए कमल बाबू ने पहाड़ी वाले मंदिर में भगवान के सामने गायत्री को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या कहा? कमल ने शादी कर ली मुझसे पूछे बगैर? वाले पूजा की थाली हाथ से गिर गई है। मुझ पर दुख के पहाड़ टूट पड़े लेकिन उनका बाल भी बांका ना हो। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपनी शादी का ये राज छुपाए रखूं। कब तक? क्यों मुझे देखकर डर लग रहा है? और उस वक्त ये डर कहां चला गया था जब रात के अंधेरे में छिपकर तूने मेरे बेटे से शादी कर ली थी? आपको ये बात मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस राज की दुनिया को अभी खबर नहीं और न कभी होगी। गायत्री, तुम्हें कमल को भूल जाना होगा। भूल जाना होगा? ये मैं क्या सुन रही हूँ? उन्हें भूल जाऊँ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? भगवान
मैंने कोई पाप तो नहीं किया। भगवान को साक्षी रखकर मैंने उनके चरणों में जगह पाई है। लेकिन पहले ये तो सोच लिया होता कि तू इस जगह के काबिल भी है या नहीं। काबिल तो नहीं थी, लेकिन पारस ने खुद लोहे को पुकार पुकार कर कहा, आ मैं तुझे सोना बना दूं। मेरा ना सही, आप अपने बेटे का मान तो रखिए। बेटे से ज्यादा मुझे उसका मान प्यारा है जिसने उसे जन्म दिया। मरते वक्त कमल की माँ ने मुझसे वचन दिया था कि मैं कमल की शादी किसी अच्छे खानदान में करूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस रिश्ते पर गर्व करें। एक स्वर्गवासी आत्मा को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आप उन दो इंसानों का खून कर डालेंगे जिन्होंने अभी अभी अपना जीवन शुरू किया है। गायत्री, आज तक किसी की ये जुरत नहीं हुई कि मेरे सामने ऊंची आवाज से बात कर सके, आंख उठाकर देख सके। मैं इस इलाके का जमींदार हूँ और तू एक किसान की लड़की है, उस किसान की जिसके पास जेल से छूटकर फाकों के सिवा और कुछ नहीं था। क्या तू चाहती है तुझे अपनी बहू बनाकर दुनिया के सामने अपनी आंखें नीचे कर लूं, लोग मुझ पर उंगलियां उठाए? यही विश्वास मेरा भी था कि एक जर्रे को सूरज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने, आपके बेटे ने ही मुझे समझाया कि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, अमीर और गरीब नहीं। ये सब कहने की बातें, होश तो तब आएगा जब ये जवानी का जोश ठंडा पड़ जाएगा, औलाद होगी और कोई अच्छा खानदान उस औलाद को ब्याहने के लिए तैयार नहीं होगा। उस वक्त कमल भी अपनी भूल पर पछताएगा, तुझसे नफरत करने लगेगा, सारी दुनिया तुझे दोष देगी और फिर तू भी महसूस करेगी कि ये मोहब्बत क्या है और दुनियादारी क्या है। तेरे बाप को तेरी इस करतूत की खबर नहीं। अगर उसे पता चल जाए कि उसके पालनहार के एहसानों का बदला तूने इस तरह चुकाया है, तो वो गैरतमंद इंसान तुम्हारे शर्म की अपनी जान दे डालेगा। अगर यही बात है तो मुझे अपने हाथों से जहर दे दीजिए, लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं सकती, नहीं भूल सकती। जहर? अगर मैं चाहूं तो अपने हाथों से तेरा खून कर सकता हूं, लेकिन मैं दरिंदा नहीं, इंसान हूं, मजबूर हूं। समाज के उसूल तलवार की धार की तरह होते हैं, जो भी उन्हें तोड़ना चाहे समाज उसे कभी नहीं माफ करता, खासकर उन लोगों को जो समाज के मुखिया कहलाते हैं। गायत्री, मैं तेरे सामने अपनी झोली फैलाता हूं, इसमें मेरी इज्जत की भीख डाल दे। सोच क्या रही है, सोच क्या रही है गायत्री? अगर तूने अपनी इज्जत न छोड़ी तो मेरे सामने आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता ना होगा। गायत्री, जमींदार सिर्फ हमारा मालिक ही नहीं, हमारा भगवान भी है। निर्लज, क्या कोई अपने भगवान को भी धोखा देता है? क्या तू मेरे मालिक की जान लेने पर तुली हुई है? नहीं नहीं नहीं, तू मेरे बाप की मौत का कारण है। तुझसे नाता जोड़कर मैं समाज की नजरों से गिर गया। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझसे शादी की थी। मैं अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दूं। काश तेरा जन्म मेरे घर में न हुआ होता। औलाद माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए होती है, न कि धब्बा लगाने के। अगर तूने अपनी इज्जत न छोड़ी तो मेरे सामने आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता न होगा। आज खानदानी होते हुए भी लोग मुझे अछूत समझते हैं, मुझे कोई पास बिठाने को तैयार नहीं। न तू मेरे जीवन में आती और न मेरा ये हाल होता। गायत्री, तूने मुझे कहीं का ना रखा, मुझे कहीं का ना रखा। मालिक, मालिक, आपको कुछ नहीं होगा, मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, आज के बाद कोई मेरी जबान छीन नहीं सुनेगा कि मैं आपकी बहू हूँ। लेकिन जब कमल वापस आ गया तो उसे देखकर तू ये सब कुछ भूल जाएगी। तू उससे कह देगी कि मेरे दबाव में आकर मजबूर होकर तूने ये कसम खाई थी। प्यार की आंधी के सामने तेरा ये वचन एक दिन काबल कर उठ जाएगा। अगर आपको अभी विश्वास नहीं आता तो लीजिए, मैं अपने सुहाग की, आपके बेटे की ही सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं चुप रहूंगी, जिंदगी भर चुप रहूंगी। गायत्री, गायत्री, तूने मेरी लाज रख ली बेटी, जो मांगना है सो मांग ले। कीमत, ऐसे वचन की कीमत इंसान तो क्या भगवान भी नहीं दे सकता मालिक। हाँ, अगर कुछ देना ही है तो मेरे सर पर आशीष से भरा हाथ रख दीजिए,
वैसे ही जैसे एक फिसल प्यार से अपनी नई बहू के साथ भगवान तेरी रक्षा करे बेटी। गायत्री, ए गायत्री। हाँ बाबा। आजकल तो कुछ बदली बदली सी नजर आती है, क्या बात है बेटी? कुछ तो नहीं बाबा। मुझे मालूम है, एक बार मैंने जमींदार साहब से भी तेरी शादी की बात छेड़ी थी। जमींदार साहब से? हाँ, जानती है उन्होंने क्या कहा? कहने लगे कि आजकल की औलाद बुजुर्गों से भी ज्यादा सियानी होती है। तुम जमींदार साहब से कब मिले? कुछ महीनों की बात है। क्यों, मेरे मन में कोई शादी का विचार हो तो मुझे बता दे बेटी। मैं जानता हूँ कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है, खैर एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। क्या हुआ गायत्री? क्या हुआ गायत्री? ओ नारायण भैया, यहाँ तो आओ। क्या है? क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को? चिंता की कोई बात नहीं नारायण भैया, नाना बनने वाला है तू। क्या बकती है? अरे मेरे मुंह क्या लगता है, अपनी बेटी से पूछ किन ब्याह ये सौगात कहाँ से ले आई है। गायत्री, गायत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चलो मरना है तो घर जाके मर। खेत में बेहोश होगी, अब तो घर घर में इस बात की चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं ये पाप की गठरी शहर से लेके आई है। देख माधव जी, लोग कुछ भी कहें तो अपनी जुबान बंद रखना। हुजूर, मैं किसी से क्यों कुछ कहने लगा, लेकिन हुजूर बेचारे नारायण की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गायत्री, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इस तरह मेरे मुंह पर काली खोदेगी। क्या क्या अरमान थे मेरे, तुझे पढ़ा लिखा कर मैं किसी अच्छे घर में तेरी शादी कर दूंगा। सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। औलाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए होती है, न कि धप्पा लगाने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे जहर दे के मार डाल। बाबा, बाबा। मर गया क्या बाबा? पहले मुझे ये तो बता, मेरी खुशियां लूटने वाला कौन है वो पापी? किसने इस गरीब की इज्जत पर हाथ डाला है, बोल। तू बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? तू नहीं बताएगी, तू नहीं बताएगी? एक बार मैं पाप किए बगैर जेल को आया, आपकी बार मैं जेल जाऊंगा तो अपनी बेटी का ये क्या कह रहे हो? मालिक, मालिक मैं लुट गया, मेरा सर्वनाश हो गया मालिक। धीरे रखो नारायण, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। मालिक, गरीब के पास दौलत तो नहीं होती, सिर्फ इज्जत की चादर होती है। आज वो भी मैली हो गई, अब अपने हाथों से मेरे दुखों का अंत कर दी। पागल न बोलो नारायण, जो होना था सो हो चुका। हजूर, एक तो पाप किया है, उस पर अपनी जबान से उसका नाम तक नहीं लेती। एक बार मुझे उसका पता बता दे तो मैं उसे, उसके बाप को, उसके सारे खानदान को गाजर मूली की तरह काट कर रख। नारायण, मालिक आप ही पूछ कर देखिए, शायद आपको उसका पता बता दे। निरंज, तेरी आंखों में अपने बाप की इज्जत तो सही, अपने अन्नदाता की तो होगी। ऐसे महापुरुष जो कभी किसी के यहां नहीं जाते, हमारे यहां खुद चलकर आए हैं, इन्हें उस पापी का नाम बता दे, ये अपने रसूख से उससे तेरी शादी करवा देंगे। करवा देंगे ना मालिक? ताले क्यों पड़ गए तेरी जबान को, बोलती क्यों नहीं? नारायण, 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 शांति से काम, इधर आ, इधर आ। मैं जानता हूं तुम ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब चारा ही क्या है। एक काम करो, उसके लिए जो भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। तुम गायत्री को लेकर ये गांव छोड़कर चले जाओ। गांव क्यों मालिक,
मैं तो ये दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ। कैसी बातें करते हो नारायण, बच्चों से गलती हो ही जाती है, चुपके से इसे कहीं ले जाओ और देखो इसे प्यार से रखना, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना, समझे? खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले, खुश रहो अहले चमन, खाक परदेश की छानेंगे वतन छोड़ चले, खुश रहो अहले चमन। भूल जाना हमें हम याद के काबिल ही नहीं, भूल जाना हमें हम याद के काबिल ही नहीं, क्या पता दे के हमारी कोई मंजिल ही नहीं, अपनी तकदीर के दरिया का तो साहिल ही नहीं, खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले, खुश रहो अहले चमन। भूले से हमें पूछे तो समझा देना, कोई भूले से हमें पूछे तो समझा देना, एक बुझता हुआ दीपक उसे दिखला देना, आंख जो उसकी छलक जाए तो बहला देना, खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले, खुश रहो अहले चमन। रोज जब रात के आंचल में सितारे होंगे, रोज जब रात के आंचल में सितारे होंगे, ये समझ लेना के वो अश्क हमारे होंगे, और किस हाल में हम दर्द के मारे होंगे, खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले, खुश रहो अहले चमन। किस्मत लेकर तू इस पूरी दुनिया में आए, न तू सुख से रह सकेगा न अपनी मां को रहने देगा, तू पाप की जीती जागती निशानी है, तू पाप की जीती जागती निशानी। Thank you.
लेकिन इसके साथ तो कोई नहीं है। बंटी तुम तो बुद्धू ही रहे, वो बच्चे छोड़ने आते हैं वो क्या तुम्हारे दर्शनों के लिए अंदर खड़े रहेंगे? चलो बेचारी को अंदर लेकर। चलो चलो। बाबा मेरा बच्चा कहाँ है बाबा? वो पैदा होते मर गया बेटा। गायत्री, कल इस वक्त तू मेरे सामने बैठी होगी, मैं तुझे विदेश की मजेदार कहानियां सुना रहा हूंगा। तू इतनी हंसेगी कि हंसी के मारे तेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे। बाबा, बच्चा पैदा होते ही मर गया? हाँ बेटी। तुम उसे धरती में दबा आए? मट्टी गहरी खोदी थी ना? हाँ बेटी। अच्छा किया, मेरा बच्चा धरती में बहुत दूर समा गया। अब सारी दुनिया के कड़वे शब्द उसके कानों तक नहीं पहुंच सकेंगे। कितना अच्छा बच्चा था, पैदा होते ही माँ के पाप पर पर्दा डालकर चला गया। बस कर गायत्री, बस। रोते क्यों हो बाबा? वो जीता रहता तो हमें रोना चाहिए था। लोग बच्चा पैदा होने पर हंसते हैं, हमें उसके मरने पर हंसना चाहिए बाबा, हमें उसके मरने पर हंसना चाहिए। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, गली मोहल्ले में मिठाइयां बांटो बाबा, बांटोगे ना बाबा, बांटोगे ना बाबा, बांटोगे ना बाबा, बांटोगे ना बाबा। मैं तो समझा था ये मामला दो चार साल तक नहीं सुलझेगा, तुम्हें तो साल भर में ही सुलझा दिया। अरे सर से पार्टी के लिए कुछ दिन और चल जाते। पिताजी काम खत्म हो गया और मैं चला आया। हाँ, वो जो एजेंट की चिट्ठी आई थी ना। पिताजी इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ कुछ खा पी लो आराम। माधव जी चल मेरे साथ। माधव जी छोटे सरकार, ये मेरे लिए। छोटे सरकार ये क्या है? अरे ये हार है, तेरी मालकिन के लिए लाया हूं। अच्छा है ना? माधव चुप क्यों है? गायत्री ठीक तो है ना? तूने मेरे आने की खबर दी थी ना? कहा उसे कहने जाता। क्यों वो या नहीं है? अच्छा होता कि वो इस दुनिया में नहीं होती। माधव क्या कह रहा है तू? छोटे सरकार वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी और ये बात गांव में मशहूर होगी कि उसका शहर में किसी से मेल जोल था। हुजूर चाहे जान से मार डालिए लेकिन सच सच है, ये तो अच्छा ही हुआ कि वो अपने पाप पर पछता के कहीं चलेगी। अगर हुजूर गलती से आपका नाम ले देती तो खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। नहीं, मेरी गायत्री ऐसी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये सब झूठ है, गलत है। बोल कहां है वो? कहां है वो? हुजूर सुना है कि रामनगर में वो। नमस्ते सरकार, इस नन्ही सी जान को एक तूफानी रात में कोई यहाँ फेंक कर चला गया,
तब से ये रोता ही रहता है। कमाल है, आपको देखकर एकदम चुप हो गया। सखा, मैं भामनगर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक से पूछ आया हूँ। अब पता ये चला कि नारायण अपनी लड़की गायत्री के साथ कुछ दिनों पहले यहाँ था और गायत्री ने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया, बच्चा मर गया और वो लोग भी यहाँ से चले गए। सरकार, आप क्यों उनके लिए परेशान होते हैं? छोड़िए जी। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना ना। रेलगाड़ी की मुलाकात, रेलगाड़ी पर। गायत्री, तुम कहाँ हो? मुझे आगे बताओगे सच क्या है? जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, अगर वो तुम्हारा बच्चा था तो उसने दुनिया को क्यों ना बता दिया? क्यों, आखिर क्यों? अगर वो पवित्र थी तो उसने तुम्हारा इंतजार क्यों ना किया? भाग क्यों गई? उसने तुम्हारी जिंदगी को एक तमाशा बना के रख दिया। अब देख, सारी दुनिया तुझ पर हंस रही है। अच्छा, कभी तो मिलोगे तुम। संभाल के उतर बेटी, ये सब उसके खेल है। जहां ले जाए, भगवान ने चाहा तो राम सेठ, और कुछ नहीं तो माली की नौकरी तो दे देंगे। उनका पता संभाल के रखा है ना? हाँ बाबा। चल कमल। कमल जी। पिताजी, जब से तुम सिंगापुर से लौटे हो कभी प्यार से मेरे पास बैठे नहीं। जब देखता हूँ खोए खोए से नजर आते हो, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पिताजी। सुनो कमल, रामनगर के ठेकेदार साहब को तुम जानते हो ना? वो मेरे दोस्त और खैरखा है। मैं चाहता हूँ तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। शादी शादी शादी, क्या रखा है शादी में? कमल, मैं शादी के लफ्ज को बेमानी और औरत को सिर्फ झूठा सहारा समझता हूँ। मुझे जिंदगी में किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं। कमल बेटा, कमल। देखते देखते ये पौधा कितना बड़ा हो गया, इसी तरह मेरा नाती भी बड़ा हो गया होगा। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे।
में लड़ना बहुत बुरी बात है। तो किसी की माँ को गाली देना अच्छी बात है? बोलो ना बड़े बाबा। बड़े बाबा कितनी मीठी है तुम्हारी जबान। मेरे बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? बड़े बाबा मेरा नाम श्याम है। श्याम, ये नाम तो अनाथों के नाथ का हो सकता है, अनाथ का नहीं। बड़े बाबा तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर दया आ गई? हाँ, तुम हो ही दया की मूरत। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए मीठी गोलियां लाया हूँ। नहीं बड़े बाबा, ये मीठी गोलियां नहीं है, ये टॉफियां हैं। लो बोले, एक तुम लो, एक मैं लेता हूँ और एक बड़े बाबा। नहीं नहीं बेटा, तुम ये खा लो। नहीं बड़े बाबा, अब चश्मे बांट कर खानी चाहिए। मैं कहूँगा 1, 2, 3 और टॉफी तुम्हारे मुंह के अंदर। रेडी 1, 2, 3। अच्छा बड़े बाबा, इसके घंटी बज गई, मैं चलता हूँ। लो बोले, तुम आस्ता आस्ता अंदर चले जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मालिक, आज तुम्हारी दया से मेरी नाती की परवरिश हो रही। भगवान तुम्हें भी साथ साथ पोते दे। मेरे पोते का मुंडन है, हाथ जरा तंग है, कुछ मदद कर दीजिए। अच्छा, पोता भी है तुम्हारे?
माधव जी सरकार जाओ मैनेजर से 100 रुपए दिलवा दो जी बहुत अच्छा आओ भाई अजीब बात है गरीब के घर में खाने को नहीं है लेकिन पोते के मुंडन के लिए 100 रुपए उधार ले रहा है और एक मैं हूं जिसकी दौलत को जंग लग रहा है और बेटा अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं होता जमींदार साहब आप एक बार शहर जाकर कमल को समझा कर तो देखिए कितनी बार तो हो आया हूं लेकिन वो अपने मोर्चे से हटता ही नहीं बच्चों का काम गलती करना है और बड़ों का काम समझाना कमल अगर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें भी अपनी कोशिश छोड़ देनी चाहिए अच्छा फिर एक बार कोशिश करता हूं कॉलेज में पढ़ती हो जी नहीं टीचर हूँ कौन से स्कूल में ट्यूशन देती हूँ ओह कौन सी किताब है ये जरा हमें दिखाना वचन बड़ी अच्छी किताब है हमें तो बाल बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती जो किताबें पढ़ें ऐसे प्यारे बच्चे हों तो किताब पढ़ने को किसका जी चाहेगा ए मिस्टर टिकट तुम टिकट बेचते हो एक जहन्नम का टिकट काट दो जो मांगोगे दूंगा ज्यादा चढ़ा लिए क्या मैं टिकट कलेक्टर हूँ रेलवे टिकट कलेक्टर टिकट दिखाओ ओ रेलवे टिकट ये लो अरे फर्स्ट क्लास का टिकट और थर्ड क्लास में सफर कर रहे हो पागल हो क्या पागल था नहीं बना दिया क्या वो थर्ड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में आ बैठी मिली और चली गई जाने कहां अब मैं उसकी तलाश में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर थर्ड क्लास में जाता हूं और सब मुझे पागल कहते हैं ये देखो हमारी पहली मुलाकात की यादगार पागल भी हो और शराबी भी जानते नहीं शराब पीकर ट्रेन में सफर करना जुर्म है अगला स्टेशन आ रहा है उतर जाना ए मिस्टर उतरो मैं कहां हूं कहां जाऊं मुझे कुछ होश नहीं कुछ होश नहीं अरे बहन तुम अपना वचन भूले जा रही हो अच्छा किया जो याद दिला दिया Thank you.
चुका हूँ मैं, मुझे ना हाथ लगाओ, कमर झुका हूँ मैं, खुद अपने हाथ से ये खून कर चुका हूँ मैं, फिर आज कैसे यहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं, मैं कौन हूँ। अपनी लाश उठाए यहाँ चला आया, मैं अपनी लाश उठाए यहाँ चला आया, कोई बस इतना बता दे कहाँ चला आया, ये क्या जगह है जहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं, मैं कौन हूँ। इंतजार मेरा है, ये क्या कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं, किधर मैं आज रवा हूँ, मुझे ये होश नहीं, मैं कौन हूँ। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, बनाओ सिंगार और रेशम के चमकीले कपड़ों से इंसान सुंदर नहीं बनता, असली सुंदरता पवित्र आत्मा में होती है। जिन लोगों के विचार और चरित्र सुंदर होते हैं वो अमर होते हैं, जैसे सीता, सावित्री और दमयंती। टीचर, चरित्र किसे कहते हैं? छोटी सी बच्ची को उल्टे रास्ते पर क्यों डाल रही हो, इसे कुछ अंग्रेजी पढ़ाओ, कुछ काम की बातें सिखाओ, ताकि बड़ी होकर सोसाइटी में उठने बैठने की काबिल बन सके। चरित्र को चाट करके आप भूखा मरना है इसे? अरे बैठ ना यार, बैठ जा। यार ज्ञान, कहाँ ले आए हो मुझे? अरे प्यारे, ये वो जगह है जहाँ दिल की बेकरारी को करार आता है। मेनका भाई, यही है वो मेरे दोस्त जिनका मैंने जिक्र किया था। जिम्मेदार साहब, क्या पीएंगे आप? चाय, कॉफी, कोको, ओवल्टीन? क्या वेजिटेरियन बातें करती हो, चाय कॉफी पी पी कर तो सेहत खराब कर ली है। बेचारा दुनिया से घबरा कर यहाँ आया है,
कुछ आंखों का रस पिलाओ, कुछ गीतों के झरने में नहलाओ। कमल तुम यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। ज्ञान मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा, मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा, मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। यह जागरण कैसा, क्या कोई त्योहार है? बीबी यहाँ तो हर सुबह ईद और हर शाम दिवाली होती है। हम साथ साथ होंगे, होगी हसीन वो चांद रात, हम साथ साथ होंगे। बरसेगा नूर खुशियों में चूर, हाथों में हाथ होंगे। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा, मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। जिसके छू लेने से मेरे दिल की बेकरारी को करार आए, वो हाथ सिर्फ गायत्री का हो सकता है। तो फिर यहां क्यों आए? हरिद्वार का टिकट कटाना था। मैं यहां खुद नहीं आया, लाया गया हूं। इस जहन्नुम में शराब लाई है मुझे। नहीं नहीं मालूम होते हो, चलो हट जाओ, हट जाओ मेरे लास्ट। गायत्री,
तू और ऐसी जगह? नहीं नहीं आप, मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ इस जहन्नम में? गायत्री, गांव वाले जो कहते हैं क्या वो सच है? क्या वो सच है गायत्री? बोलती क्यों नहीं? सच्चाई की जबान आजाद नहीं होती, उस पर ताले पड़े होते हैं। अगर तू पवित्र है तो तोड़ दे ये ताले। बता, लोग तेरी बुराई क्यों करते हैं? मेरे जाने के बाद क्या हुआ? सच्चाई क्या है? गायत्री, तेरी जबान से निकले हुए एक लफ्ज से मेरी लूटी खुशियां वापस आ सकती है, मेरी वीरान जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है। चुप क्यों है? कहती क्यों नहीं कि सब झूठ है? नहीं, मैं नहीं कह सकती। भगवान जानता है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। हर गुनाहगार जब अपने गुनाहों का हिसाब नहीं दे सकता तो भगवान की आड़ लेता है। तू और इस घर में अब मैं और कुछ जानना भी नहीं चाहता। सच सच है, मेरी आंखों के सामने है। सच्चाई कभी आंखों से नजर नहीं आती। भूल जाइए कि सच क्या है और झूठ क्या है। घर जाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। सीधे रास्ते पर चलिए। आपकी जिंदगी शराब में इस तरह तबाह हो जाने के लिए नहीं, दूसरों की खुशियां पूरी करने के लिए है। तू मुझे जिंदगी का सबक सिखा रही है, खुद रास्ते से भटक कर मुझे रास्ता दिखा रही है। मेरी तबाही का कारण तू है। ना मैं तुझे रेलगाड़ी में मिलता और ना झूठी मोहब्बत के धोखे में आता। परसों मैंने तुझे पवित्रता की मूरत समझकर तेरी याद को सील से लगाए रखा। दुनिया ने मुझे लाख समझाया कि तू नीच है, पापन है, लेकिन मैंने दुनिया की एक न सुनी। आज पता चला कि दुनिया सच्ची थी और मैं झूठा था। गायत्री, क्या बात है बेटी? कुछ नहीं बाबा। हाँ? यहाँ जी नहीं लगता, चलो कहीं और चलें। अगर जाना ही है तो रामनगर क्यों नहीं चला जाए बेटी? सुना है वहां की पाठशाला में मास्टरनी की जरूरत है, नौकरी कर लेना, जी लग जाएगा। कहीं भी चलो बाबा, लेकिन यहां से चलो। अच्छा अच्छा बेटी, चलेंगे। बोला बोला, ये ले दवा। राम, ये स्कोर को देर हो जाएगी। क्या करता भोला? मैनेजर ने डॉक्टर की पिछली फीस नहीं दी, डॉक्टर अकड़ गया। मैं उसके पांव पड़ा तब जाकर उसने दवा दी। राम, तुझे मेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्यों ना करूं, तू मेरा दोस्त जो है। बोला एक बार हंस, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। हंस ना, नहीं तो स्कूल में मेरा जी नहीं लगेगा। अच्छा बोला। मुझे नौकरी मिल गई है, दूसरी क्लास को पढ़ाया करूंगी मैं। जाती हूँ, अब तुम घर जाओ। बेटा शाम, शाम। मेरा शाम। टॉफी वाले पापा। मुझे पहचान लिया? टॉफी वाले पापा को कौन भूल सकता है? पापा, तुम स्कूल में पढ़ने आए हो? मैं बूढ़ा तोता क्या पढ़ूंगा बेटा। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों बाद क्यों आए? मैं काम काज में लगा था इसलिए नहीं आ पाया, अब मैं रोज आया करूँगा। अच्छा घंटी बज चुकी है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बेटा श्याम, ये तो बता तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? दूसरी। दूसरी में? देख, आज से तुझे एक नई मास्टरनी पढ़ाया करेगी, वो बहुत अच्छी है, तुझे माँ की तरह प्यार करेगी बेटा। अच्छी वो। अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ी चीज सफाई होती है। क्लास में हमेशा उजले कपड़े पहन कर आना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते
और देर से आते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम? मैं श्याम हूँ टीचर, इसी क्लास में पढ़ता हूँ। आप नई टीचर है ना? मैंने सुना आप बड़ी अच्छी हैं। ठहरो, मेरी इजाजत के बगैर अंदर क्यों आ रहे हो? मुझे आना तो नहीं चाहिए टीचर। कंघी क्यों नहीं की? घर में तेल नहीं है क्या? नहीं है टीचर। जाओ अपनी जगह जाकर बेंच पे खड़े हो जाओ। संसार में तीन हिस्से पानी और एक हिस्सा धरती का है। धरती पर आदमियों के अलावा तरह तरह के जानवर भी बसते हैं। बड़े जानवरों में हाथी और शेर, बीच के जानवरों में गाय और बकरी, और छोटे जानवरों में खरगोश, मुर्गियां इत्यादि। इसके अलावा रेंगने वाले जानवर भी होते हैं, जैसे सांप और बिच्छू, और करोड़ों किस्म के कीड़े भी, जैसे कि चींटी, कॉकरोच। क्या हुआ श्याम? इधर आओ। चिल्लाए क्यों? टीचर, बहादुर ने मेरे पांव पर कॉकरोच चढ़ा दिया। मैं डर गया था टीचर। नहीं नहीं टीचर, ये झूठ बोलता है। टीचर, इसकी जेब में देख लो, इसमें कॉकरोच है। बहादुर, जेब दिखाओ अपनी। टीचर, मेरे पास तो कोई कॉकरोच नहीं है। श्याम, अब तुम अपनी जेब दिखाओ। झूठ बोल रहे थे ना, निकालो हाथ। डर नहीं लगता? नहीं टीचर, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? जन्म से अनाथ हूँ, अनाथालय में रहता हूँ। अगर डर के रहूंगा तो मेरी रक्षा करने वाला कौन है? तुम बदमाश हो। मुझे मालूम नहीं था बेटी, मुझे मालूम नहीं था। आ हुजूर। हाँ माधव। अरे वाह, आज तो चेहरे पर रौनक है। लेकिन हुजूर, उस दिन जो मैं आपको लेने के लिए बड़े सरकार के साथ शहर गया था ना, तो मेरे हाथ के तोते उड़ गए थे। माधो, मेरा शरीर तो तुम ले आए, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। ओ हुजूर, ये दिल भी कमबख्त बड़ी बड़ी मुश्किलों में डाल देता है। इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये कि बेदिल हो जाइए। अच्छा, तो तुम्हें ये बातें करना भी आ गई है। देख रहे हो श्याम? अपनी माता पिता की तस्वीर। ओ, भगवान कृष्ण, बड़े भाग्यशाली हो तुम तो, जिसे ऐसे माता पिता मिले। खाना खा लिया? नहीं टीचर, अनाथालय में सिर्फ दो बार खाना मिलता है, एक बार सुबह एक बार शाम। दोपहर को तुम्हें भूख नहीं लगती? भूख लगती है तो पानी पी लेता हूँ, भूख मिट जाती है। मेरे पास खाना है, खाओगे? नहीं टीचर। थोड़ा सा खा लो ना। नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही रहता है। शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाएगा। चंदन की लकड़ी जल भी जाए तो भी खुशबू देगी।
भूख लगी है ना? चलो मेरे साथ। क्यों नहीं? ठीक है, आज दोपहर को तो तुम खिला दोगी, कल कौन खिलाएगा? तुम रोज मेरे साथ खा सकती हो। सच? बैठो। एक शर्त है, बड़ा होकर जब मैं कमाऊंगा तो सारे पैसे दे दूंगा। चलो अच्छा ही हुआ, तब तक मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, हाथ पैर तो काम नहीं करेंगे, तेरी मदद मिल जाएगी। अच्छा, तुझे अनाथालय में रहना अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता टीचर, लेकिन क्या करूं? कहते हैं जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ गई थी। श्याम, तू मेरे घर रहेगा, मैं तुझे मारूंगी नहीं। मैं माँ से तो नहीं डरता टीचर, लेकिन मैं आपके घर नहीं रह सकता। क्यों? अनाथालय में मेरा एक दोस्त है, भोला, बेचारा लंगड़ा है, अगर मैं आपके घर आ जाऊँ तो उसका दोस्त कौन बनेगा? अपने आप तो ना भी नहीं सकता। कितने प्यारे बच्चे हो, न जाने कैसी पत्थर दिल माँ होगी जो ऐसे नन्हे फरिश्ते को अनाथालय में छोड़ेगी। देखो टीचर, मेरी माँ को कुछ ना कहना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा खा लो। टीचर तुम भी खाना खाओ ना। हाँ हाँ टीचर, खैरो मैं 1 2 3 गिनूंगा तो झट से खाना मुंह में डाल देना। रेडी 1 2 3 टीचर खाना खाओ ना। हाँ बेटे खाती हूँ, ले तुम खाओ। देखो कमर, जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, दूसरों के लिए भी होती है। जब तक तुम शादी नहीं करोगे, जीते जी मुझे चैन नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारी स्वर्गवासी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, अपनी मर्जी से भी जिंदगी बसर करके देख ली, लेकिन चैन न मिला, अब आपकी मर्जी से ही। कमल, कमल मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन पिताजी जल्दी शादी के लिए मजबूर न कीजिएगा। ठीक है, जब तुम कहोगे शादी होगी। नमस्ते जमींदार साहब। ओ ठेकेदार साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहो बेटा कमल, अब तबीयत कैसी है? जी पहले से अच्छा हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, आज मेरा काम भी बन गया। अब जी हाँ, रामनगर के स्कूल का सालाना जलसा होने वाला है। मैं ये सोचकर घर से निकला था कि इस साल जलसे का प्रधान कमल बाबू को बनाया जाए। अच्छा, लेकिन ये हक तो बड़ों का है, पिताजी से कहिए। पिछले साल पिताजी की बारी थी, इस साल तुम्हारी बारी है। ठेकेदार साहब, हिसाब किताब आप खूब रखते हैं। मान जाओ कमल, 2-4 दिन रामनगर रहोगे तो जगह की तब्दीली से सेहत भी ठीक हो जाएगी। जमींदार साहब ठीक फरमा रहे हैं। तो हाँ कह दूं तुम्हारी तरफ से? जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। ठीक है। आज मैं बड़े अच्छे मुहूर्त में घर से निकला था। अच्छा कमल बाबू, नमस्ते। आइए ठेकेदार। भोला भोला, अरे भोला, तुझे तो बुखार है, तो स्कूल का ड्रामा कैसे देखने जाएगा? श्याम, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तू ड्रामे में क्या कर रहा है? मैं अनाथ खरगोश का पाठ कर रहा हूँ। तू ड्रामे में भी अनाथ ही बनेगा? हाँ भोले, उस खरगोश की माँ को शेर जो खा जाता है। फिर क्या होता है? फिर खरगोश यानी मैं शेर से बदला लेता हूँ। वो कैसे? देखो श्याम, घबराना नहीं है, अच्छा काम करना। फिक्र ना करो टीचर, जमींदार का लड़का खुश हो जाएगा और खुश होकर आपको बड़ी टीचर बना देगा। बेटा श्याम, अच्छा काम करना, मैं ऊपर से देखता रहूंगा। मेरी चिंता ना करो बाबा, तुम पर्दा ठीक से उठाना। अच्छा आइए पहले। आए ना बालम का करूं सजनी, आए ना बालम। चाहे कोई मुझे
से जंगली कहे पकने दो जी पकता रहे हम भी तो भूख के मारे हुए हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? सर मेरा नाम श्याम है। सर मैं आपके अनाथालय का लड़का हूँ। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि अनाथ आश्रम में तुम्हारे जैसा प्यारा बच्चा भी होगा। आइए आपको अपना स्कूल दिखाएं। आइए। मिस्टर कमल, ये है हमारे नाटक की कर्ता धर्ता, हमारी नई टीचर मिस गायत्री। क्या इस किस्म की औरतों को यहाँ टीचर रखा जाता है? हेडमिस्ट्रेस, आपने इन मासूम बच्चों की जिंदगी को एक ऐसी औरत के सपोर्ट कर रखा है जो खुद इखलाक से गिरी हुई। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं यहाँ कदम भी ना रखता। हेडमिस्ट्रेस, इस औरत को फौरन नौकरी से निकाल दो। गायत्री, तुम्हें डिसमिस किया जाता है। गायत्री, घबराने की बात नहीं है, सर में चोट लगी है, फिर उम्र की वजह से ब्लड प्रेशर भी, अभी होश आ जाएगा, लेकिन पूरे आराम की जरूरत है। कंपाउंडर जी, तुम इनका ख्याल रखना, मैं ठेकेदार साहब के बंगले पर जा रहा हूँ। चल। अरे इतना तेज बुखार, बोला बोला आके तो हो। अरे मैं क्या करूँ, क्या करूँ? दरवाजे भी तोड़ने आ गए, लेकिन याद रख, तो फिर कभी अनाथ आश्रम में कदम रखा, दबा हो जा। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, ठेकेदार साहब की हवेली पर गए हैं, जाना चाहो तो वहाँ चले जाओ। ठेकेदार साहब की हवेली पर? हाँ। बेटी, मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया, जो एक बात आज तक छिपा कर रखी। कौन सी बात? मुझे माफ कर देना, कर देगी ना? ये तुम क्या कह रहे हो बाबा, कौन सी बात है? तेरा बच्चा। मेरा बच्चा मरा नहीं था। मरा नहीं था, वो जिंदा है। हाँ। सच कहते हो बाबा? हाँ बेटा, मैंने तुझसे झूठ बोला था। कहाँ है वो? वो अनाथ आश्रम में। कौन है वो? श्याम। श्याम, श्याम मेरा बच्चा, श्याम। जल्दी से अनाथ आश्रम में जा, उसे ले आ बेटी। जन्म कुंडली देखी नहीं है, ढूंढना हो तो जाकर ढूंढो, गलियों में कहीं भीख मांग रहा होगा। शाम, शाम। पांच सौ कीजिए।
लीजिए। जी नहीं शुक्रिया। रजनी बेटी जरा तानपुरा तो उठाओ, पहली बार जमाई घर आया है, संगीत तो होना ही चाहिए। माफ करना कमल बाबू, शादी से पहले ही मैंने तुम्हें जमाई कह दिया। कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त ने तानपुरे की तकलीफ सुन दीजिए, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दो चार मिनट में क्या हो जाएगा। हाँ बेटी शुरू करो। क्या है? अनाथालय में मेरा दोस्त भोला बहुत बीमार है, मेरे साथ चलिए नहीं तो मर जाएगा। कौन है ये मनहू जो ऐसे शुभ समय पर मरने की खबर लेकर आया है? तुम जाओ बेटे, मैं अभी नहीं आ सकता। जमींदार जी, डॉक्टर साहब से कहिए ना मेरे साथ चले, मेरे भोले को बचा ले। इस छीछड़े को अंदर किसने आने दिया है? जमींदार जी, आप तो हमारे पिता जैसे, बेटे की बात मान लीजिए ना। घबराओ नहीं श्याम, डॉक्टर साहब जरूर चलेंगे। चलिए डॉक्टर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए आओ श्याम। देखा दीदी, हमारी परवाह नहीं, लेकिन उसे तीन लड़के की है। घबराओ नहीं बेटी, रस्सी के बल निकालना मुझे भी आता है। पापा। श्याम कहाँ है? उसे साथ नहीं गए? वो नाथाश्रम से भाग गया, न जाने कहाँ चला गया। भाग गया? मेरे कर्मों की सजा मुझे इसे जीवन में मिल रही है, क्योंकि मैंने उसे उसकी माँ से जुदा किया था। बाबा, मुझे मुझे मेरा शाम कभी नहीं मिलेगा। रो मत बेटी, भगवान हमें इतनी कड़ी सजा नहीं देंगे। डॉक्टर, कैसा ये बच्चा? अभी कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह यतीमों की देखभाल करते हो? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जी मैं। शट अप। डॉक्टर साहब, भोले को अच्छी दवा दी है ना, जब तक ये ठीक ना हो जाए आप यहाँ से ना जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हूँ। देख भोला, जमींदार जी खुद तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आए हैं। श्याम, उनको क्यों कष्ट दिया? अब मैं और किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं किसान कन्या के पास जा रहा हूँ, मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक माता और एक पिता भेज दे। ऐसी बातें क्यों करता है तू? मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे पिता नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए मुझे। नहीं, मुझे किसान कन्या बुला रहा है। शाम, तू रोज जो भजन गाता है ना, आज भी गाना। कैसे गाऊं भोले, देखता नहीं, मेरी आंखों में तो आंसू है। श्याम, एक बार मेरा दोस्त नहीं है तू, बस एक बार, फिर कभी नहीं कहूंगा। अच्छा। तुम ही हो माता, पिता तुम ही।
श्याम, तुम्हारा भोला चला गया। भोले, भोल, अकेला कहाँ जा रहा? मुझे भी साथ ले चल। तोड़ दी दोस्ती, तू तो कहता था मैं तुझसे कभी कट्टी नहीं करूँगा। बोल बोल बोल। श्याम, श्याम रो नहीं। जमींदार जी, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, एक भोला था, वो भी छोड़कर चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं कहाँ जाऊँगा जमींदार जी? मैं तुम्हारे साथ हूँ श्याम, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो। मैं समझता था दुनिया में सिर्फ खुदगर्जी है, प्यार नाम को नहीं, लेकिन इस अनाथ आश्रम में तो बच्चों का प्यार देखकर समझा हूं कि जिंदगी कुछ देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। मैं जिंदगी से भाग रहा था, लेकिन श्याम, तुमने मेरे जीने की एक नई उमंग पैदा कर दी है। मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। रोइए नहीं जमींदार जी। श्याम, सिर्फ दो, एक मैं और एक मेरे पिताजी। अच्छा, माँ, बहन, भाई, दादा और कोई नहीं? कोई नहीं। फिर तो आप भी मेरी तरह अनाथ हुए, तो फिर इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? देखिए जमींदार जी, जो आदमी खाता कम है और जो जमा ज्यादा करता है वो चोर होता है, पता है? अच्छा, तुमने ये किसी किताब में पढ़ा है? नहीं जी, मेरी अक्ल कहती है। अच्छा, एक काम करते हैं। क्या? पहले आप कहिए 1, 2, 3, तब बताऊंगा। आप बुद्धू बनकर क्या देख रहे हैं? कहिए ना 1, 2, 3। रेडी, 1, 2, 3। अब बताता हूँ। देखिए जमींदार जी, अनाथालय तो बहुत छोटा है और लड़के बहुत ज्यादा है। क्यों ना अनाथालय से सब लड़के यहाँ आ जाए और आप अपने पिताजी के साथ अनाथालय चले जाएं। ओह, शाबाश शाबाश शाबाश। छोटे सरकार, ये भी बिल्कुल आप ही की तरह है। इंकलाब जिंदाबाद। ठहर जा बेटा, मैं तेरे लिए अभी मिठाई लाता हूँ। माधव, चुप रह के नहीं। कमल, ये कौन लड़का है? पिताजी, ये श्याम है, अनाथ आश्रम का लड़का। और श्याम, आप है मेरे पिताजी। जय श्री कृष्ण दादाजी। दादा लीजिए हुजूर, आपके पोते की भी आशा पूरी हो गई। माधव, कमल, ये फितना कहाँ से उठा लाए? आते ही से मुझे दादा कहना शुरू कर दिया। हुजूर, दादी तो नहीं कह सकता। खामोश। कमल, जहाँ से ये कूड़ा करकट उठा लाए हो वहीं छोड़ाओ। पिताजी, बच्चे कूड़ा करकट नहीं होते, भगवान के बनाए हुए बागों के फूल होते हैं। गलती बड़े करते हैं और उसकी सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। गलती बच्चों की नहीं होती, उनके माँ बाप की होती है। चाहे गलती मेरी ही क्यों ना हो, पहले इसे यहाँ से भेजो। नहीं पिताजी, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी आंख का तारा है, ये यही रहेगा। होश में हो कमल, जब देखता हूँ मोर्चा बना के मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हो। अगर ये यतीम यहाँ रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। दादाजी, घर आपका है, आप क्यों जाते हैं? मैं चला जाता हूँ। नहीं शाम, नहीं। पिताजी, अगर इस बच्चे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। बाबा, मेरे कारण बाप बेटे का झगड़ा क्यों? मैं अपने अनाथालय जाता हूँ। चलो शाम, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। कमल, कमल। जमींदार जी, क्या आप अपने पिता का हुक्म नहीं मानते? ये बुरी बात है। जो आदमी अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, वो आदमी का जन्म लेकर भी पशु होता है, पता है? शाबाश शाबाश, सवा हाथ के छोकरे, तूने तो बड़े बड़े पंडितों को पानी पिला दिया। वाह वाह हजूर, दुनिया में लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, दाढ़ी पालते हैं, मूछें पालते हैं, चुटिया पालते हैं। सरकार, क्या हर्ज होगा जो आप छोटे सरकार की खुशी के लिए अपने घर में इस नन्हे से कमल को पाल ले? बस बस कमल, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। कमल,
छोटे जमींदार जी, आप ये लाल लाल क्या पी रहे? खून है क्या? नहीं श्याम, ये खून नहीं है, ये जहर है। जहर? जहर नहीं पीते, जहर पीने से आदमी मर जाते हैं। ए श्याम, इधर ला मेरा गिलास। दोस्त बनाना है तो मेरी बात मानो। मेरा गिलास दे दे। नहीं दूंगा। देता है या नहीं? नहीं। देख श्याम, जिद ना कर, इधर ला ये गिलास। फेंक दिया, बदतमीज। माँ। सुनता नहीं, बदतमीज। माँ। सुनता नहीं। माँ। जहन्नम में भी तेरी माँ तो। मुझे सबक सिखाने आया है। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। शाम का जी, वो अभी अभी बाहर गया। बाहर गया जी? शाम, 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 शाम। छोड़ो बाबूजी, छोड़ो, मैं अपने अनाथ खाले जा रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा शाम, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए ना, गरीब को क्यों सताते हैं? इतना रूठ गया है मुझसे? एक अनाथ ही तो हूँ, मेरे रूठ जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा दोस्त, माफ कर दे मुझे, मेरी गलती थी जो कल रात तुम्हें थप्पड़ मारा। नहीं, आपने कब मारा था? तो फिर किसने मारा था? मैं सच बोलूं, आपने मारा भी था और नहीं भी मारा था। वो कैसे? वो जो आपने लाल पानी पिया था ना, उसने आपसे कहा था कि इसे मारो। शाम, शाम, इस छोटी सी उम्र में इतनी समझ, शर्म दिलाई है मुझे। अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो मुझसे इतना प्यार न करता। तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो श्याम। लेकिन मैं तो सिर्फ एक अनाथ हूँ। नहीं श्याम, नहीं, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो सकते। तुम मेरे बेटे हो श्याम, मेरे बेटे। श्याम, श्याम, तुम मेरे बेटे बनोगे ना? क्या सच में मेरे पिता बनेंगे? जरूर बनूंगा तुम्हारा पिता। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, भोले ने अपना वचन पूरा कर दिया। उसने किशन कन्या से कहकर मुझे एक पिताजी भेज दिए। तुम्हें सिर्फ अपना बेटा ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस सारी जमींदारी का जमींदार भी बनाऊंगा। अच्छा, लेकिन देखिए जमींदार जी, आज से आपको छोटे जमींदार श्याम कुमार की हर बात माननी पड़ेगी। अगर आपने फिर कभी उस लाल पानी को हाथ लगाया तो बिल्कुल कट्टी, ना आप मेरे पिता ना आपका मैं बेटा। नहीं, कभी नहीं, अब कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। जिसे बेटे के प्यार का नशा मिले वो झूठा नशा क्यों करेगा? चलो बेटा अंदर चले। क्या हर वक्त इसे उठाए उठाए फिरते हो? क्यों दादाजी, क्या समझते आप मुझे? मैं बड़े जमींदार रतन कुमार के बेटे श्री कमल कुमार का बेटा श्याम कुमार हूँ, छोटा जमींदार। ठीक है ठीक है। क्यों पिताजी? हाँ बेटा। सुनो कमल, अगले सोमवार बड़ा अच्छा मुहूर्त है, तो हो तो ठेकेदार की लड़की से तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दूं। पिताजी, शादी कितनी जल्दी भी क्या है? बस जब मैंने शादी का नाम लिया तुम्हारे माथे पे बल पड़ गए। तुम इस अनाथ को कहीं से घर में ले आए, मैं मान गया। इसने आते ही मुझे दादाजी कहना शुरू कर दिया, मैं मान गया। मैं तुम्हारी सब मानू, तुम मेरी एक न मानो। सपूत हो तो एक बार मेरी भी लाज रख लो। पिताजी, मैंने आपकी बात मान ली थी ना, अब आप भी अपने पिताजी की बात मान लीजिए, ये भी खुश हो जाएंगे और मुझे भी एक माँ मिल जाएगी। मान लो बेटा, मेरी न सही इसी की मान लो। मान लो ना पिताजी, बच्चों की तरह जिद नहीं करा करते।
जीत की तो अनाथालय चला जाऊंगा। अच्छा पिताजी। शाबाश, अब आप अच्छे पिता बने। दादाजी शादी की तैयारी कीजिए। हाँ हाँ हाँ। कमाल है, जो बात आप छोटे सरकार से उम्र भर न मनवा सके वो इस कल के छोकरे ने मनवा ली। कैसे भी सही, बांध तो गया, बांध तो गया। माधु, अरे ये गिलास और ये बोटा सब बाहर फेंक दे। भाई ये माशाल्लाह कहाँ से आ गया भाई? माधु जी ठीक ही तो कहता है, चल फेंक दे सब। शुक्र है भगवान का। पिताजी वो क्या मंदिर है? हाँ बेटा, कृष्ण कन्हैया का मंदिर। कृष्ण कन्हैया का? हाँ। मेरा भोला भी वहां जरूर होगा, मैं उससे मिलकर आऊं। मैं जाऊं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ बेटा जरूर चलूंगा। आप तो फर्स्ट क्लास पिता है। शाबाश शाबाश, शाम जीत गया, शाम जीत गया। जाओ शाम जल्दी से दर्शन कराओ। अब चलिए पिताजी। नहीं बेटा, मैं कृष्ण कन्हैया से आंख नहीं मिला सकता। क्यों? वो मुझसे बहुत नाराज है। तो क्या हुआ, मैं दोस्ती करवा दूंगा। मैं जानता हूँ शाम, तुम अपनी भोली भाली मुस्कान से भगवान का दिल भी जीत लोगे। तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना, तो मेरी बात मान जाओ। तुम जाओ और दर्शन करके आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। बड़े रिद्धियाँ। जाओ ना। प्रभु रोशनी की किरण दिखाकर ये अंधेरा क्यों? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरे लाल से मिला दो प्रभु। भगवान क्या भोला यहाँ आया था? उसकी टांग अब कैसी है? क्या वो ठीक हो गया? मैं उसे देखना चाहता हूँ। बोलो ना किशन कन्या, क्या तुम्हारे मुंह माखन से भरा हुआ है जो तुम बोल नहीं सकते? बोलो ना, बोलो ना। भोला आंखों से बहता हुआ पानी भी। क्या वो तुझे अच्छे लगते हैं? तुझसे प्यार करते हैं? माँ अगर प्यार ना करते तो मुझे अनाथालय से अपने घर चले जाते। माँ इतना प्यार करते हैं और तुम मुझे बहुत बड़ा जमींदार बनाएंगे। भगवान तूने मेरी सुन ली। भगवान ने तो बोले कि भी सुन ली, लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले ने मुझे पिता तो भेजा पर माँ दादा भेज दी। क्या कहा?
दूसरी माँ कौन सी है? वो जिससे पिताजी की शादी होगी। क्या तेरे पिताजी शादी कर रहे हैं? माँ तू रोती क्यों है? अगर तुझे पिताजी की शादी अच्छी नहीं लगती तो मैं पिताजी से कह दूंगा कि वो शादी ना करे, वो मेरा हुक्म कभी नहीं टालते। माँ चलो मैं तुम्हें पिताजी से मिलाऊं। क्या वो यहाँ आए हुए हैं? हाँ माँ मेरे साथी आए हैं, बाहर खड़े हैं। माँ पिताजी का घर बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें भी एक बड़ा सा कमरा दे दूंगा, चलो ना। नहीं नहीं बेटे, तेरे पिताजी को मैं अच्छी नहीं लगती। क्यों माँ, तूने स्कूल में उनको भी बेत मारा था? नहीं बेटा कोई और बात है, अभी तो छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तब बताऊंगी। तो माँ मैं तुम्हारे पास रहूँ कि पिताजी के पास? नहीं श्याम, तुझे उनके पास ही रहना चाहिए, वो ही तेरी जगह है। श्याम जल्दी आओ बेटा। अच्छा श्याम, तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। उनसे मत कहना कि मैं तुमसे मिली थी। क्यों? वो मुझ पे गुस्सा होंगे बेटा। अच्छा मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। पक्का वादा? पक्का वादा। अरे श्याम इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? आपको पता नहीं मैं अंदर क्या कर रहा था? नहीं तो? अंदर मैंने बहुत कुछ देखा। अच्छा? हाँ, भगवान की मूर्ति में मुझे मेरा दोस्त भोला नजर आया और उसके बाद भोला छुप गया। आओ बेटा बहुत देर हो गई ना। पिताजी ये लीजिए। क्या है बेटा? प्रसाद है, बहुत मीठा है, खाकर देखिए। ऐसे नहीं, तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलाओ। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। मेरा श्याम और उनकी गोद में, भगवान ऐसे एक झलक के लिए तुम अपना सारा जीवन दे सकते हो। मैं तो जानता था कमल बाबू आपकी बात को कभी नहीं टालेंगे। अच्छा हुआ मान गया। ठेकेदार साहब आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। फरमाइए। कमल की माँ हमेशा कहा करती थी कि मैं तो अपने बच्चे की शादी अपने घर में करूंगा। जैसा आपका हुक्म, भला बंदे को क्या एतराज हो सकता है? आप तो जानते ही हैं कि रजनी की माँ भी नहीं है, औरतें होती तो जिद करती, और फिर ये घर भी तो हमारा अपना ही है। मैं शादी से एक दो रोज पहले रजनी को लेकर यहीं आ जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शादी यहाँ पे हो रही है, नहीं तो ठेकेदार साहब के यहाँ के खारे कुएं का पानी पीना पड़ेगा। छोटे सरकार शादी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। पिताजी आप कैसे पिताजी हैं, शादी के दिन भी ऐसी सूरत बना रखी है। अच्छा ना बोलो, मैं अपनी नई माँ को देखने जाता हूँ। प्रभु तुम्हारे सामने मैंने उनसे शादी की, अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे सामने उनके पिता को वचन दिया, फिर यह शहनाई की आवाज सुनकर मेरा दिल क्यों जल रहा है प्रभु? मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपने वचन का पालन कर सकूं। मुझे शक्ति। माँ मुझे क्या पता था कि मेरी माँ इतनी सुंदर है। रजनी मुबारक हो, शादी से पहले तुझे बेटा भी मिल गया। रजनी तो क्या तेरे पति की दूसरी शादी है? नहीं माँ तुम तो चमक रही हो बिल्कुल पिकने की तरह। हट यहाँ से, यहाँ क्या लेने आया? मैं तो ये देखने आया था कि जिस लड़की से मेरे पिताजी की शादी होने वाली है वो मेरी माँ बनने के काबिल है कि नहीं। क्या तुम बहुत बुरी माँ, मैं पिताजी से
तू यहाँ क्या कर रहा है? घास खोद रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? पिताजी, इस घर का कोई राज है, वरना एक अनाथ लड़के को इतनी आजादी कि जिसका भी चाहे मजाक उड़ाता फिरे। याद है उस दिन कमल बाबू मेरा गाना सुने बताए इसी के साथ चले गए थे? कीड़े मकौड़ों की परवाह नहीं करते बेटी, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ। चल निकल यहाँ से। रोक डालते हो मुझ पर? इन मुछों से घोड़े बांधो, मुझे न डरो। जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं जमींदार रतन कुमार के बेटे श्री कमल कुमार का बेटा श्याम कुमार हूँ, यहाँ का होने वाला जमींदार। होने वाला जमींदार? चल भाग यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन ऐसा माया सिखाऊंगा कि मुझे यूं से जो हो जाएंगी। गाड़ी भगा। पिताजी, जरूर दाल में कुछ काला है। मैं तो समझती हूँ कि शादी होने के बाद मुझे इस घर की दासी बनकर रहना पड़ेगा। चिंता न कर बेटी, शादी हो जाने दे। शादी हो जाने के बाद इस बेवकूफ जमींदार की जायदाद पर कब्जा करना मेरा काम। जमींदार उतना बेवकूफ नहीं जितना आप समझते हैं। थोड़ा बेवकूफ तो वो पहले ही है, बाकी कसर मैं पूरी कर दूंगा। नहीं, सब्र से काम लेना होगा। हर हालत में शादी हो जानी चाहिए। चलो। मेरी टीचर माँ का? टीचर माँ? हाँ, मैं उनके घर गया था, वहाँ से मुझे पता चला कि वो यहाँ है। ओ, गायत्री? हाँ। और वो तो बाहर गई है, उसके बाबा अंदर हैं। अंदर? हाँ। तेरी माँ? तुझसे किसने कहा वो तेरी माँ है? अरे टॉफियों वाले बाबा, तुम्हें कुछ पता नहीं। माँ ने मुझसे कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, और पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तेरा पिता हूँ। अब तुम ही बताओ बाबा, अगर एक बेटा अपनी माँ की शादी अपने पिताजी से नहीं करवा सकता तो उसका बेटा आने का क्या फायदा? तेरे पिताजी? कौन है तेरे पिताजी? बसंतपुर के छोटे जमींदार जी तो मेरे पिता है। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। जैसी माँ है देख बेटा, कोई गड़बड़ न कर बैठना। कमरे में नहीं है, वो राजमहल गए हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन वो नहीं माने। शाम शाम चला रहे थे। शाम? बेटा शाम! ठेकेदार साहब, बात कुछ भी नहीं है, वो अनाथ लड़का कमल से हिला मिला है, जो मुंह में आता है बक देता है। आप इतने सयाने और जहां दीदा इंसान होकर एक बच्ची की बात को दिल में क्यों जगा दे रहे हैं? चलिए शादी का मुहूर्त निकला जाए। चलिए जमींदार साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन दिल में शक एक बार पैदा हो जाए तो उसे दूर करने में जरा देर लगती है। अगर आप सचमुच मेरा शक दूर करना चाहते हैं तो अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम लिख दीजिए। बस यही शर्त है शादी की? ठीक है, मुझे जायदाद कहां सर पे उठा के दूसरी दुनिया में ले जानी है, कमल की हुई या रजनी की, एक ही बात है, मैं लिख दूंगा, वादा करता हूँ। चलिए। शुक्रिया शुक्रिया जमींदार साहब, अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? क्या आपको मेरी जबान पे विश्वास नहीं? क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन मेरी तसल्ली भी तो होनी चाहिए। ठेकेदार, जिंदगी में तुम मुझे पहले आदमी मिले हो जिसने मेरी खानदानी गैरत पर हमला किया है। तुम समझते हो मैं अपनी जुबान का पास नहीं रखूंगा? जानते हो मैं उन लोगों में से हूं जो अपने वचन के लिए बर्बाद हो जाते हैं, मिट जाते हैं। क्या समझा है तुमने मुझे? दादाजी, मैं आपको सीढ़ी माँ क्या समझेगा? मैंने पिताजी के लिए एक अच्छी सी माँ ढूंढ ली है। हाथ भर के छोकरे, तेरी ये मजाल है?
जवान हो यहाँ से। शाम, शाम मेरे बेटे। शाम, कहाँ है तू? रुक जाइए। एक बच्चे पर हाथ उठाते हुए आपको दया नहीं आती? आप इंसान हैं क्या? मत मत। क्या हुआ? तू? शाम बेटा, तू वहाँ क्या कर रहा है? मेरे पास आ? नहीं पिताजी, ये मेरी माँ है। माँ? हाँ। गायत्री, क्या तेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि तू जिंदगी के हर कदम पर मेरे लिए एक नया तूफान लेकर आ जाए? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दर्द भरी और वीरान जिंदगी में इस बच्चे को एक सहारा समझा था, और आज तू इसकी झूठी मां बनकर मेरा ये सहारा भी छीनना चाहती है? बोल, क्या सबूत है तेरे पास कि तू इसकी मां है? दुनिया में हर बात का सबूत तो नहीं होता। भगवान को किसी ने आंख से नहीं देखा, फिर भी दुनिया उस पर विश्वास क्यों रखती है? अगर जवाब नहीं दे सकती तो बार बार भगवान को बीच में क्यों लाती है? आज तक भगवान के सहारे ही तो जीती रही हूँ, इंसानों ने तो सदा ठुकराया ही है। चल बेटा चले, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। खैर, तू इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकता। छोटे सरकार, बाबा। छोटे सरकार, राम इसी का बेटा है। अगर ये इसी का बच्चा है तो ये अनाथ आश्रम में क्यों रहता था? जब इस सभागे ने इस दुनिया में आँख खोली तो मैं ही लोक लाज के मारे इसे रातों रात अनाथ आश्रम में छोड़ाया था। परसों मैंने गायत्री को भी इसी अंधेरे में रखा कि इसका बच्चा मर चुका है। कुछ ही दिन हुए मैंने इसे बताया कि शाम इसका क्या लगता है। तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है? नहीं छोटे सरकार, लाख मैंने इसे डांटा डपटा पर इसने अपने होंठ सी रखे हैं। बता भी कैसे सकती, अपनी जबान से अपना गुनाह कौन मानता है? बोल, बोल किस बच्चे का बाप कौन है? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? तुझे इस बच्चे की कसम बता, इसका बाप कौन है? नहीं नहीं, मुझे ये कसम मत दिलाइए, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी। जब मेरे बाबा दरामते थे मुझे मार डालना चाहते थे, उस वक्त मैंने मर जाना कबूल किया, लेकिन अपनी जबान नहीं खोली। जब सारी दुनिया ने कलंकने की पदवी देकर मेरा मजाक उड़ाया, तब भी मैं खामोश रही। मेरे सिवा आकाश में भगवान और धरती पर सिर्फ एक इंसान जानता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, और क्यों मैंने किसी की इज्जत बचाने के लिए अपने जीवन के खेल के फूलों को मचल कर कांटे बिछा लिए। ये रात मेरे जिंदगी में रात ही रहेगा। मर जाऊंगी लेकिन ये रात नहीं खोलूंगी। बाबा, मैं जमींदार जी, अब मैं आपको और नहीं सताऊंगा। छोटे जमींदार जी पर कभी गुस्सा ना करना। शाह जमींदार साहब, चलिए खत्म कीजिए यह किस्सा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शादी? कैसी शादी? यहाँ कोई शादी नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब जिंदगी में कई चीजों का मतलब मैं खुद आज समझा हूँ। मैं समझता था इज्जत का मतलब दौलत जायदाद और झूठा गरूर है, लेकिन आज पता चला कि आत्मा की पवित्रता और वचन के पालन के सामने शहनशाहों के खजाने भी कोई कीमत नहीं रखते। मैं अमीर हूं, दौलत के सहारे हर किसी से अपनी इज्जत करवा सकता हूं, लेकिन इज्जत के काबिल मैं नहीं, गायत्री है। उसने अपना एक वचन इस तरह निभाया जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। गायत्री मेरी बहू है, श्याम कमल का बेटा है, मेरे घर का चिराग है। पिताजी, आप जी क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं सच कह रहा हूँ। गुनहगार तो मैं हूँ, अपने खानदान की छोटी इज्जत बचाने के लिए मैंने गायत्री को मजबूर करके उससे वचन ले लिया था। मेरे दबाव में आकर इसने अपने होंठ चीरे। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे मालिक। नारायण नारायण, मुझे मालिक न को, मुझे संबंधी को नारायण, मुझे संबंधी को। जमींदार, अगर नौकर चाकरों को ही संबंधी बनाना था तो मुझे घर बुलाकर मेरी इज्जत पर क्यों हाथ डाला? समझता है मैं खामोश रहूंगा?
एक एक को समझ लूंगा। चल बेटी चल यहाँ से। ठेकेदार जी अपना डंडा तो लेते जाइए। अच्छा सामने से। गायत्री मैंने तुम पे शक किया, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, कितना नीच हूं मैं। ऐसा ना कहिए, इसमें आपका क्या दोष है? हमारे भाई पापा सब घुसर फुसर कर रहे हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। अरे मुझे ये तो बताओ कि आप मेरे पिता, आप मेरी माँ है ना? हाँ श्याम बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और ये तुम्हारी माँ है। तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो, आओ मुहूर्त के समय इस घर में चरण डालो। आओ ऐसे नहीं, पहले मैं कहूंगा 1 2 3 फिर कदम डालना, रेडी 1 2 3। Thank you.